प्रशांत वर्मा, हम स्नातक हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से, एंशियंट यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। और मैं यहाँ पर 1991 में पार्लियामेंट का सबसे पहले चुनाव लड़ा था, उसके बाद में जिलाध्यक्ष एसपी ने हमको बनाया था, तो 5 साल पूरा जिलाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद में फिर एक विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उसके बाद में 2004 में शाहबाद लोकसभा से भी मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। रोजगार के लिए तो भाई साहब इंडस्ट्री ही माध्यम है, छोटे छोटे उद्योग लगाएँ या बड़े उद्योग लगाएँ तो उद्योग में ही रोजगार सृजन होता है, उन्हीं के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। नौकरियाँ तो लिमिटेड हैं, नौकरियाँ को पद तो खाली पड़े तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार नौकरियाँ पदों पर भरे। हमारे जो परिषदीय स्कूलों के बच्चे हैं, इस स्थिति के पढ़े हुए बच्चे, मैं तो समझता नहीं हूँ कि डिप्टी कलेक्टर या ये SIPS बन जाए, ये संभव ही नहीं है। तो शिक्षा का स्तर में सुधार की ज़रूरत है। अब इस जो अंग्रेजी स्कूलों की शिक्षा होती है, मास्टर अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि स्कूलों को भी तनख्वाह बढ़िया दी जाती है, तो उस पर कमान लगाने की ज़रूरत है, उस पर उनको कसने की ज़रूरत है। अध्यापकों को कसा जाए, जो भी इसके कर्मचारी जो जो इसके अधिकारीगण हैं, वो अधिकारीगण इनसे काम लें मास्टरों से, तो शिक्षा में सुधार हो सकता है। देखिए, सड़कों के लिए जो पैसा आता है तो लिमिटेड जो नेता लोग ले आते हैं वो कुछ सड़कों पर खर्च कर देते हैं और उसका इधर बंदर बांट कर लेते हैं। उसको इसका सुधार तो तभी संभव है जो पैसा जितना एक्चुअल में सड़क पे खर्च हो, जो पैसा सरकार आएगी वही देगी, उसी से विकास होगा सड़कों का। तो जो भी पैसा आवे उसका सही मायने में इस्तेमाल किया जाए। महिलाओं को मजबूत करने की ही ज़रूरत है, जिसे ब्रिगेड बनाया जाता है, फोर्स बनाया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग इन महिलाओं को दिया जाए जो स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बन सके। और जो जितनी ज़्यादा इसमें शिक्षित महिलाएं होंगी तो अपने हकाधिकार के लिए जानेंगी, और शिक्षित महिलाएं ही भविष्य का कर्णधार होती हैं। जो शिक्षा पर सबसे महत्वपूर्ण जोर देने की ज़रूरत है, महिलाएं जितनी ज़्यादा शिक्षित होंगी उतनी देश अग्रगणी होगा। सबसे पहले तो हमारे लोगों के खेतों में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। जंगली जानवर हमारे काश्तकारों को सोने नहीं देते, फसल उजाड़ देते हैं। सबसे पहले तो हमारा स्टेप यही होगा, हम अपने अंदर की अच्छाई को किसी से बयान नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिकल वे में करते हैं, हम करते हैं और करके दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे ढंग से कार्य को कर सकते हैं। सच्चाई ईमानदारी से मैं परिपूर्ण हूँ।